ताड़ी दे दरखत तो हिंदुस्तान विच ताड़ी दा दरख्त मौजूद है अजकल भी हिंदुस्तान विच बहुत है। उहदे चों ताड़ी निकलदी एक रस निकलदा है जिहदे च नशा बिल्कुल हू बहू शराब वर्गा हुंदा है। इह ताड़ी ठेकियां ते विकदी हिंदुस्तान विच बिहार बंगाल यूपी उड़ीसा ते मध्य भारत विच इह दरख्त बहुत है, बहुत तादाद विच पाया जांदा है, खजूर दी तरह हुंदा है। इहदे चों निकलिया होया रस उस विच कुदरती नशा है। प्राचीन संतां ने ऋषियां ने मुनियां ने कह दिता सी बई इस दरखत दे थले बैठना भी नहीं, यह दरखत अपवित्र है, यह बंदे नूं बेहोश कर देंदा। हर तरह की खुल देण वाले मजहबां ने भी शराब नूं बंडिया। मुहम्मद साहब ने भी कह दिता हराम है, बाकी सारी खुल कर दिती बई पुरुष चार शादियां भी कर सकदा। जिस जिस ढंग की खुल दिती है उस खुल नूं देख के हैरानगी आउंदी है, लेकिन शराब नूं उसने भी हराम कह दिता। बई गऊ भी खा सकदा, ऊठ भी खा सकदा, मझ भी खा सकदा है, सब तरह की खुल देण वाला यह पुरुष कहिंदा शराब हराम है। कारण शराब पींदियां मनुख बेहोश हुंदा है, ते जैसे जैसे बेहोशी वधदी है अचेतपना वधदा है, मनुख दे अंदर ईश्वर नूं चिंतन करन दे जिहड़े आसार ने ओह खत्म हो जांदे ने, आजा खत्म हो जांदे ने। इस वास्ते हो सकदा दुराचारी तो दुराचारी मनुख भी, ठग तो ठग बंदा भी शायद सुधर के परमात्मा तक पहुंच जाए, पर शराबी शराब पींदा ही जाए पींदा जाए उसकी कोई संभावना नहीं। इतनी मैं अर्ज करदे हां क्योंकि बेहोशी उसकी वधदी है। मैनूं कुछ श्लोक सुभावक याद आ गया, जब मैं निर्मले महात्मा को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अर्थ पढ़ता से उन्होंने मैनू ये प्राचीन बोल नोट कराए सन। बीजिया कलपंत एक अंच दस कलपंत नागनी, बारनी सांसर कलपंत धूमर पान असंख्यान विद्यते। पुराणा दे चो 18 पुराणा दे चो एक पद्म पुराण है, उहदे च श्लोक कहिंदे ने बीजिया कहिंदे ने भंग नूं। बीजिया कलपंत एक अंच, जो भंग पींदा है एक जन्म खुआर गया, एक जन्म गया वो जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ बेहोशी भंग दे च भी है, कुछ ना कुछ अचेतपना ए दे च भी है। बीजिया कलपंत एक अंच दस कलपंत नागनी, नागनी कहिंदे ने अफीम नूं। जिहड़ा अफीम खान का आदि हो गया है, ये महापुरुष कहिंदा है दस जन्म तक मूर्ख रहेगा, स्याणा नहीं हो सकेगा, अचेत रहेगा, दस जन्मां तक कुबड रहेगा। क्यों? अचेत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, पशुओं की तरह जीवेगा। दस कलपंत नागनी बारनी सहंसर कलपंत, वारनी कहिंदे ने शराब नूं, ते जिहड़ा शराब का आदि होया सहंसर कहिंदे ने हजारा नूं, हजारा जन्मां तक बेहोश रहेगा, हजारा जन्मां तक मूर्ख रहेगा। धूम्रपान संख्यान विद्या ते, धूम्रपान कहिंदे ने तमाकू नूं, ते जिहड़ा तमाकू पींदा है ऋषि कहिंदा मैं गिण नहीं सकदा कितने जन्म मूर्ख रहेगा, कितने जन्म कुबड रहेगा, कितने जन्म अचेत रहेगा। नशियां नूं इस ढंग दे नाल प्राचीन ऋषि मुनिया ने जो है भंडिया है बई बंदा अचेत हुंदा है। और जिस जिस घर दे च समझ लो ये शराब बहुतात दे च वरती रहा जारी, लोगों ने ते खिमा करनी इसकी प्रदर्शनी करनी भी शुरू कर दी, लोग देखन सजावट का समान भी समझ लिया, लोग इन्ने मूर्ख हो गए, इतने नादान हो गए, इतनी ना समझी वध गई है। अचेत होना भी एक फैशन बन गया है, बेहोश होना भी एक रस बन गया है, बेहोश होना भी एक नुमाइश बन गई है। तो जब बेहोश होना भी नुमाइश बन जाए ऐसे बंदे नूं होश दे च लियाना बड़ी औखी गल है, क्योंकि बेहोशी उहदा सन्मान है, बेहोशी उसकी इज्जत है, अचेतपना ही उसका माण ते सन्मान है। तो वारनी सहंसर कलपंत धूम्रपान असंख्यान विद्यते। इस संबंध च मैं 5-10 श्लोक उन्हां महापुरशां तो पढ़े सन, नोट किए सन, याद किए सन, हैरान होया कि प्राचीन ऋषि मुनि इस ढंग नाल सोचते रहे।
गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बहुत कुछ हवाले ने, पर इस वक्त जो कुछ मैं कहना चाहता उस थां तो ना तिड़का। अर्ज मैं ये कर रहा सी कि मोहम्मद साहब ने भी कह दिता शराब हराम है और जो पी रहा है जिंदगी हराम गई, जिंदगी व्यर्थ गई, जीवन व्यर्थ गया, हर तरह की खुल इसने दे दी।